शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, या मैं बाबूजी के हाथ का खाना खा खा कर ना मोटा हो रहा हूं। वो जब तुम यहां होगी ना, तब तुम्हें बताऊंगा। चल बाय, ख्याल रखना अपना। क्या कह रही थी बड़ी माँ? वही जो पहले कहती थी, पहले यहां से मायके जाने की रट, फिर मायके से यहां आने की रट। अभी एक दिन भी नहीं बीता है मैडम को, और यहां की याद भी आने लगी उन्हें। हर औरत की यही कहानी होती है समीर, जब ससुराल में रहती है तो उसे मायके की फिक्र सताती है, और मायके पहुंच जाती है तो ससुराल की चिंता करती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है माँ? है तो सही, लेकिन अब इतना समय गुजर चुका है ना समीर, कि अब मायके की उस तरह से फिक्र नहीं होती है। अच्छा समीर, ये अंबर को फोन करके पता करो कहाँ है। सुबह से वो नियति बच्चे को देखने गए हुए, लौटे नहीं अब तक। पूछो कब तक आ रहे हैं, पता नहीं वो बच्चा किस हाल में होगा। बहुत देर हो चुकी है, रोहन भी सो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। इसे ऐसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है अंबर। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति, न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति। नियति, नियति का ये आज पूरे दिन में तुमने उसे इतना प्यार दिया है, अपना इतना समय दिया है कि वो कल सुबह तक आराम से सोएगा। उनकी रहे इसे सोने दो, किसी को पाए उन्हीं को खोके। कल सुबह मैं तुम्हें इससे मिलाने फिर से लेकर आऊंगा। ये सब जब भी याद आता है, होठों पे ये आ जाता है। चादरे उदास है ये बिछोने उदास है, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास है।
मैं छोटी और अंबर के बारे में सोच रही हूँ। देखो ना, सुबह के गए हुए, अब तक नहीं लौटे, ना कोई फोन किया। उन दोनों को पता है कि मुझे टेंशन हो जाती है, फिर भी ऐसा करते। देवयानी, उन दोनों को तो अपना होश ही नहीं है। तुम्हारी छोटी बहू और बेटे को ममता का रोग लग गया है, प्राय बच्चे की ममता का रोग। और अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया गया तो वो लाइलाज हो जाएंगे। इसलिए हमें इसका इलाज अभी से शुरू कर देना चाहिए। अभी भी बात हद से निकली नहीं। आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, शायद, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मामले में हम कर भी क्या सकते हैं? ये बहुत नाजुक सी बात है। नाजुक तो है, लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम नियति को प्यार से समझाओ और मैं अंबर से बात करता हूं। क्या समझाएंगे हम उन दोनों को कि जिस छोटे बच्चे में उनकी ममता को पनाह मिल रही है, उसे मिलना छोड़ दे? हाँ, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई है। और उस रोहन के लिए भी अच्छा होगा कि उस छोटे से बच्चे को ये झूठी उम्मीद अब और ना दिलाई जाए। मुझे नहीं लगता कि नियति और अंबर इतनी आसानी से समझ जाएंगे। आसानी से तो नहीं समझेंगे देवयानी, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। कम से कम इस बार मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का दिल ना ही टूटे ना ही बिखरे। क्योंकि अगर रोहन के माँ बाप एक दिन अपने बच्चे को लेने आ गए तो फिर यही होने वाला है। लगता है वो दोनों आ गए। छोड़ा है दीदी को? अरे वो तो कब का, अब तक तो दो बार उससे और एक बार बच्चों से बात हो गई मेरी। पर मुझे नहीं लगता कि दीदी ज्यादा दिन वहां रुकने वाली हैं। वो तो हरदम की बात है, पहले जाने की जल्दी फिर आने की जल्दी। चलो चलो आ जाओ। अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? कितनी फिक्र हो गई थी मुझे। कुछ नहीं माँ, हम लोग थोड़ी देर के लिए रोहन से मिलने चले गए थे, उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। अरे क्या हो गया था रोहन को? कुछ नहीं माँ, जब मैंने उसे पुलिस स्टेशन में सौंपा तो उसने वहीं से रोना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले उसे बाल मंदिर ले गए, जहाँ पर वो बस रोता ही रहा, पूरी रात रोया, इतना रोया कि उसे बुखार आ गया। बेटा तो डॉक्टर को नहीं दिखाया उन लोगों ने? दिखाया डैड, लेकिन बुखार उसका तब उतरा जब मैं और नियति उससे मिलने पहुंचे। आप लोगों को देखकर खुश हो गया होगा वो, हाँ? शुरू में तो थोड़ा सा नाराज था, लेकिन नियति ने उससे इतने प्यार से बात की कि उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई और उसका बुखार भी उतर गया। और मम्मी जी, रात भर वो बुखार की वजह से सो नहीं पाया था, उसे सुलाने के चक्कर में थोड़ी देर हो गई। अगर नहीं सुलाकर आते तो पता नहीं, शायद पूरी रात रो रो कर फिर से बुखार चढ़ा लेता। इसलिए हम दोनों को थोड़ी सी। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग सबके लिए बाहर से खाना लेकर आए हैं, चलिए चलकर खाना खा ले। अरे रास्ते से क्यों पैक कराया? आज तो इन्होंने भी ढेर खाना बनाया। मुझे फोन कर लेते, मैं बता देती। आज दिन का खाना डैड ने बनाया। हाँ भाई, तुम अपने डैड को क्या लल्लू समझती हो जो खाना नहीं बना सकते? जाओ जाके मेरा खाना टेस्ट करो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा होटल का खाना अच्छा है या मेरा खाना अच्छा है। जाओ। तो चलिए आज फैसला हो जाए। अरे मैंने भी बहुत दिनों से बाप बेटे की वाक्यों की जुगलबंदी नहीं देखी, आज तो मजा आएगा। चलो चलिए बताइए क्या खाएंगे। पराठा खाएंगे, नान खाएंगे, बैंगन का भरता। क्या बात है, क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। दोपहर में बाबूजी ने भी बैगन का भरता बनाया और नियति भी बैगन का भरता ही लेकर आई है। अरे मुझे क्या पता था, मम्मी जी को बैगन का भरता पसंद है इसलिए लेकर आई मैं तो। मुझे पता होता कि दिन में भी यही बनाया तो मैं कुछ और ले आती। लेकिन मैं पनीर की सब्जी भी लेकर आई हूँ और बूंदी का रायता भी, आप वो खा लीजिए। बाकी का मेन्यू भी सेम है।
सचमुच ये तो कमाल ही हो गया ना बाबूजी। और सबसे ज्यादा कमाल तो इस बात का है कि घर के बने खाने में और होटल से लाए खाने का टेस्ट सेम कैसे? अच्छा मैं टेस्ट करके तो देखूं जरा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? आप क्या बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक ही होटल से दो दो खाने आ रहे हैं और सेम खाने हैं तो फिर टेस्ट भी तो सेम सेम होगा ना। मतलब आपने खाने में चीटिंग की? बैठो तो सही। अरे बैठो देवयानी। ये तो शुक्र मनाओ कि समीर की अकल ने काम किया। समीर? हाँ समीर की अकल ने काम किया। तुम भी शामिल हो इसमें बेटा। इसी ने तो मुझे आइडिया दिया। वेरी गुड। अगर मेरे हाथ का खाना आप लोग खाते ना तो मैं एक ही बात कह सकता था कि मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आप भी ना। क्या हुआ अंबर बेटा? क्या कहना चाहते हो? मन में जो बात है अगर वो फांस की तरह अटकी रहे तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। अरे बोलो क्या बात है? क्या हुआ? क्या बात? डैड, हमने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। कौन सा डिसीजन? हम लोग रोहन को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। सोचा था कि जब मैं डिसीजन लूंगा तो 3-4 फॉर्म्स भरने के बाद हम रोहन को अडॉप्ट कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। अगर आज हम रोहन को लीगली अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे और उसके बाद ही हम रोहन को लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और उसके अलावा उनकी एक और शर्त है और वो शर्त यह है कि देखो बेटा विचार तो नेक है और हमें इस फैसले से कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन जरा उन माँ बाप के बारे में सोचो जिनका रोहन सगा बेटा है। बेटा वो भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, उन्होंने भी जमीन आसमान एक कर दिया होगा रोहन की तलाश में। इसलिए मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम थोड़ा सब्र करो। वो कहते हैं ना तेल देखो तेल की धार देखो, वरना बेटा ऐसा ना हो कि ये 2 दिन का लगाओ तुम्हें कहीं का ना रखे। देखो आज पूरा दिन तुमने और नियति ने रोहन के साथ बिताया है, अब अगले 3 महीने तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इस परीक्षा में चूक गए ना बेटा तो इस बार का जो बिछुड़ना है रोहन से वो पिछली बार के हादसे से कहीं दुखदाई साबित होगा। तुम्हारे लिए ही नहीं रोहन के लिए भी।
वैसे तुम्हारे दुखों का इलाज एक मेरे पास भी है। मैंने इस बारे में रोहिणी से बात की है और वो खुशी खुशी रेडी भी है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं बताऊं। हाँ भैया बताइए क्या बात है। तुम मेरे दो बच्चों में से अगर चाहो तो किसी एक को गोद ले सकते हो। फर्ज के दो राहे पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति। हम दोनों के प्रति जो आपकी भावना है भैया, उसकी मैं बहुत कद्र करती हूँ। आपने और रोहिणी दीदी ने इतना कुछ सोचा हम दोनों के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन भैया मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि आपसे आपका बच्चा छीन लूं। नहीं, एक बच्चे से बिछड़ने का जो दुख मेरे नसीब में लिखा है, वो मैं आपके और रोहिणी दीदी की नसीब में नहीं मरना चाहती। ये सच है भैया कि रोहन से इन दो दिनों में हम दोनों को बहुत लगाव हो गया है। उससे बिछड़ना हम दोनों की जान पर आ गया है। माँ की ममता को जीवन देने के लिए मैं 3 महीने तो क्या, 3 साल भी इंतजार कर लूंगी। अब अगर मुझे किसी तोतली जुबान से अपने लिए माँ सुनना है तो वो रोहन से ही सुनना है। और उसके लिए मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। छोटी सोच लो, क्या वाकई में तुम हर परीक्षा देने को तैयार हो? तक तुम रोहन से बिछड़ कर रह सकती हो? जी मम्मी जी, इतना कंट्रोल तो है मुझ में। और फिर 3 महीने होते ही कितने हैं, यूं जल्दी से निकल जाएंगे। क्या है इसकी नियति न समझे नियति।